हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 10। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10, ठीक है ना। और जो बच्चा क्लास 10 को देख रहा है, सबसे पहले क्लास 1 से लेकर 9 तक देख लीजिए, देन आफ्टर मूव कीजिए क्लास 10 पर, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10, और ये जो क्लास होगा फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो ये हो जाएगा इंग्लिश मीडियम, और चैप्टर तो मालूम ही चल गया होगा। चैप्टर जो है आपका 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब चार्जिंग करने का कितना तरीका था। तो पहले हम लोग पढ़े थे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा दिन पढ़े चार्जिंग बाय कंडक्शन, आज जो हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इसमें लिख लेंगे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी को चार्ज कीजिएगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी को चार्ज कीजिएगा विदाउट टचिंग, मतलब टच नहीं होगा यहां पे। उस सब केस में जो दो था चार्जिंग बाय कंडक्शन में टच हो रहा था, फिर उसमें वायर कनेक्ट कर रहे थे कंडक्शन वाला में, जैसे फ्रिक्शन वाला में क्या हो रहा था, दो बॉडी टच हो रहा था, कंडक्शन वाला में क्या हो रहा था, दोनों को टच कर रहे थे वायर से। लेकिन इसमें जो बॉडी पे चार्ज आएगा बिना टच किए हुए लाएंगे, विदाउट टचिंग, एकदम जादू मंत्र है, है ना, विदाउट टचिंग आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखेंगे इसमें क्या कि द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, द प्रोसेस एक तरीका है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट टच से, बिना टच के, विदाउट टच या विदाउट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है, इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहां पे देखिए, किसी बॉडी को चार्ज करेंगे बिना टच किए, बिना कॉन्टैक्ट किए, इस मेथड को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन लिख लेंगे, और चलिए करके दिखाते हैं आपको ऐसा, ठीक है ना, कि विदाउट टच, टच भी नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट भी नहीं करेंगे, एंड बॉडी चार्ज भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सब मिटा दें, लिख लीजिए। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, अब गहराई में देखते हैं, फोटो बनाते हुए, फिगर बनाते हुए, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर कोई बॉडी का बात करें, तो ये बॉडी में ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव होता है, जितना प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन, पहले ही बता चुके हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई दिस बॉडी इज न्यूट्रल होता है ये। और कह सकते हैं इस पे नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज, टोटल चार्ज जो है इस पे, वो कितना है, जीरो है। न्यूट्रल कहिए या नो नेट चार्ज कहिए, या फिर नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो। तो
when we are talking about a body, means it will have number of proton is equal to number of electron. That is why this is neutral, or we can say net charge on a body is equal to zero. मतलब इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है? जीरो है भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है। चलिए अब ध्यान से देखिए दूसरा बात, एक होता है अर्थिंग, ग्राउंडिंग कहा जाता है। ग्राउंडिंग का ऐसे किताब उताब में देखिए ना, ऐसे बना देता है, ऐसे बना देगा, तो इससे डरिएगा मत। इसको कहा जाता है बोलिए ग्राउंड, इससे डरना उड़ना नहीं है कि काची बना दिया है, क्या बना दिया, पूरा डर लग रहा है, ये होता काची है, तो इस सबसे डरिएगा मत। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट ही बता रहा है, इसका मतलब है ग्राउंडिंग या अर्थिंग भी कह सकते हैं ना। तो ग्राउंडिंग में क्या होता है कि ये ग्राउंडिंग क्या करता है, जितना भी इस बॉडी में प्लस और माइनस है उन सबको खा जाता है। खा जाता है मतलब कि माइनस को खा गया, माइनस को भी एकदम अपने अंदर खींच लिया, प्लस को भी खत्म कर दिया, मतलब प्लस माइनस को खत्म कर दिया, इसका ये काम है। मतलब अगर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन केवल मूव कर सकता है, दिमाग में बात याद रखिएगा, ये माइनस मूव कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है मूव कर सकता है, ये प्लस थोड़े करेगा, प्रोटॉन बोले नहीं ना करेगा। तो जो माइनस है ना इलेक्ट्रॉन, ये देखिए जब ग्राउंडिंग कर लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ के भागेगा और चल जाएगा कहां, धरती के अंदर, तो ये तो चला गया। अब बहुत बच्चा बोला तो सर प्लस कैसे चल जाएगा, आप तो बोले खा जाएगा दोनों को, तो प्लस कैसे चल जाएगा, हम बोले प्लस, इस प्लस को खाने के लिए वो क्या करता है, ये करता क्या है कि इसके लिए भेजता है ये इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं प्लस पांच गो है, तो पांच गो इलेक्ट्रॉन भेजा, पांच गो इलेक्ट्रॉन भेजा मतलब पांच गो माइनस, माइनस पांच भेजा, पांच गो इलेक्ट्रॉन, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो हो गया, तो खा गया दोनों को। इलेक्ट्रॉन को कैसे खाएगा, अपनी ओर खींच लेगा, प्रोटॉन को, प्रोटॉन को खाने के लिए भेजेगा इलेक्ट्रॉन और उसको प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्राउंडिंग का, तो चलिए यहां पे ग्राउंडिंग का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखिएगा हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई आपका, ये क्वेश्चन पूछता भी है जी सीबीएसई में, देख लीजिएगा, ये कोई आपका मेटल स्फीयर है जिसका नाम हम कह लेते हैं ए, ये कोई मेटल स्फीयर है, इसको कोई इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा किया है, इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब लकड़ी उकड़ी पे है ना, इंसुलेटिंग स्टैंड, इना की रख दीजिएगा यहां पे पूरा लोहा, बड़का ऐसे लोहा रख दिया, रखबो मत कीजिए, इंसुलेटिंग स्टैंड होना चाहिए, तो लोहा रख दिया तो चार्ज फ्लो करके अंदर चल जाएगा है ना, तो यहां पे लकड़ी रखिएगा ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड दीवार पर बैठा लीजिए है ना। तो ये कोई आपका मेटल स्फीयर है, कंसीडर करते हैं मेटल स्फीयर ए ठीक है, तो ये इस चीज को हमको, इस मेटल स्फीयर को क्या करना है, चार्ज करना है ठीक है ना। तो ये है आपका स्टेप वन, आपसे पूछता है कि आप इस चीज को, मेटल स्फीयर को कैसे चार्ज कीजिएगा, इस मेटल स्फीयर को कैसे चार्ज कीजिएगा विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना टच किए हुए, तो वही स्टेप हम दिखा रहे कैसे चार्ज करेंगे। तो विदाउट कॉन्टैक्ट मतलब कौन सा, इंडक्शन वाला ना, इंडक्शन वाला ठीक है। तो पहला स्टेप वन ठीक है, हम कंसीडर करते हैं कोई मेटल स्फीयर, इसको हमको चार्ज करना है ठीक है, चार्ज करना है तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर अ मेटल स्फीयर, मेटल स्फीयर विच इज बीइंग चार्ज्ड, विच जिसको चार्ज किया जा रहा है, विच इज बीइंग चार्ज्ड कैसे, विदाउट, विदाउट टचिंग या विदाउट कॉन्टैक्ट ठीक है ना, कुछ भी लिखो। तो ये हमको कंसीडर कर लिया एक मेटल स्फीयर विच इज बीइंग चार्ज्ड विदाउट टचिंग, मतलब इसको टच भी नहीं करना है और चार्ज कर देना है। तो हम क्या किए, हम पहला स्टेप में, पहला स्टेप, ये पहला स्टेप है, हम क्या किए कि इस मेटल स्फीयर, इस मेटल स्फीयर
मेटल स्फीयर ये स्टार्टिंग में न्यूट्रल है, न्यूट्रल ये न्यूट्रल है, चार्ज थोड़े है, चार्ज रहता तो फिर क्या है चार्ज कीजिएगा, तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब अंदर में जितना प्लस उतना ही माइनस, ठीक है ना। तो हम क्या किए, इसको चार्ज किए, छू मत दीजिए, छू के चार्ज नहीं करना है, ठीक है ना, विदाउट टचिंग है। तो हम क्या किए, एक चार्ज बॉडी, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाए इसके सामने, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके सामने लाए। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाइएगा तो इसके अंदर जो इसके अंदर प्लस और माइनस ऐसे पड़ा हुआ है, तो माइनस वाला जो है वो अट्रैक्ट होके इधर आ जाएगा, ये प्लस इसके अंदर माइनस को अट्रैक्ट करके इधर ला देगा, सब इधर आधे वाले सरफेस इधर पे आ जाएगा। मतलब क्या, माइनस वाला जितना भी है सब कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, है ना। और जितना इसके अंदर प्लस था, जितना इसके अंदर प्लस है उसको कहां भेज देगा, रिपेल कर देगा, रिपेल कर देगा, तो ये सारा प्लस सरफेस पे इधर आ गया, सबको इधर भेज दिया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम क्या किए हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाए हैं, ठीक है, कंसीडर करेंगे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विच इज ब्राउट, ब्राउट नियर टू ये मेटालिक स्फीयर ए, ठीक है। तो हम पहला स्टेप में हम क्या बोलेंगे कि कंसीडर कर लेंगे कि एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, और उसको ब्राउट किए हैं, लाए हैं किसके पास, एक चार्ज स्फीयर ए के पास, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ये पहला स्टेप था, स्टेप फर्स्ट था ये, अब स्टेप सेकेंड देखिए, स्टेप सेकेंड जैसी इसको लाए तो ये जिस इसको लाए तो माइनस वाला इधर आ गया, प्लस वाला रिपेल हो गया, माइनस वाला ट्रैक प्लस वाला रिपेल भागा इधर। अब इस चीज को ग्राउंडिंग कर दीजिए, ग्राउंडिंग कर देना, मतलब क्या, स्फीयर को ऐसे कर दिए, ग्राउंडिंग कर दिए, ठीक है ना, ग्राउंडिंग कर दी, इसको ग्राउंडिंग कर दिए, है ना। तो ग्राउंडिंग कर दिए तो क्या हुआ कि प्लस 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 प्लस, ठीक है, ग्राउंडिंग कर दिए, स्टेप थ्री में ग्राउंडिंग कर दिए, और यहां पे ये आपका प्लस वाला चार्ज, ठीक है, तो ग्राउंडिंग किए हैं, अभी देख दिख रहा होगा, है ना। तो स्टेप वन ये था, नजदीक रहा है, स्टेप टू में इस मेटल स्फीयर, इसका ए नाम है, ए को क्या कर दिए, ग्राउंडिंग कर दिए, ग्राउंडिंग कर दिए। तो अब क्या होगा, ये प्लस इसको पूरा एकदम पकड़ के बैठा है, माइनस वाले को बोला नहीं जाने देंगे, ग्राउंडिंग का काम क्या है, खा जाना, प्लसों को बोलेगा ना आ जाओ अंदर, माइनसों को इधर बोलेगा खा जाएगा, ठीक है, प्लसों को बुलाएगा, अब माइनसों को बुला के अंदर ले जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस को खा गया, माइनस को खा गया, लीजिए फिर से वही बात हो गया, फिर से न्यूट्रल हो गया। तो इसलिए हुआ क्या कि ये जो चार्ज बॉडी है माइनस को पकड़ के ऐसे रखा हुआ है, एकदम पकड़ के रखा है, अट्रैक्टिंग पावर है, अट्रैक्टिंग फोर्स लगा हुआ है, तो माइनस को पकड़ के रखा है, प्लस जो है माइनस को पकड़ के रखा है, बोला नहीं जाने देंगे हम ग्राउंड में, नहीं जाने देंगे, तो ये माइनस को नहीं जाने देगा, काहे प्लस इसको पकड़ के रखा है, लेकिन ये वाला जो प्लस है अब धरती बोलेगा कि तुम कहां जाएगा, वो तो बच गया, उसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, तुम कहां जाएगा बाबू, तुमको तो हम खींचिए लेंगे। तो ये ग्राउंडिंग जो है भेजा इलेक्ट्रॉन, जैसे पांच गो था, चार गो है, तो चार गो इलेक्ट्रॉन भेजा, चार गो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार आई प्लस चार, दोनों न्यूट्रलाइज हो गया। तो बचा क्या स्टेप थ्री में दिखा रहे हैं। तो स्टेप थ्री में ये सिचुएशन हुआ है कि ये वाला जो ग्राउंडिंग है, या इसको कहते हैं ग्राउंडिंग, लिख देते हैं इधर पे ग्राउंडिंग, और ये जो ग्राउंडिंग है वो तो प्लस वाला को खा गया, प्लस वाला को तो खा गया, है ना। अब हुआ क्या,
इधर में जो माइनस है अभी बचा हुआ है, काहे ला बचा हुआ है, पूरा ई वाला पूरा बचा के रखा है, काहे इसको खींच के रखा है, ये वाला जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो क्या किया, इसको बदल खींच के रखा है। एक सेकंड के है ना, तो यहां पे ये माइनस को खींच के रखा है, इसीलिए ये माइनस बचा हुआ है ना, तो ये भी चला जाता धरती में है ना, तो ई तो क्या किया ग्राउंडिंग, प्लस को तो खा गया है, इलेक्ट्रॉन भेज दिया खा गया, बचा माइनस को। अब देखिए बचा माइनस यहां पे, अब देखिए इना की क्या कीजिए कि पहले इसको हटा दीजिए, अब बोले कि ना माइनस चार्ज आ गया है हटा देते, पूरा खुशी खुशी में हटा दिए, जैसी हटा दिए जो माइनस वाला है ना लीजिए उसको भी ग्राउंडिंग खा गया, लीजिए सिचुएशन कैसा आ गया पहले ही जैसा, तो यहां पे ये स्टैंड है ठीक है ना, तो पहले खुशी खुशी बोले ना मेरा चार्ज हो गया माइनस चार्ज हो गया, पूरा खुशी खुशी में उछलने लगे एकदम ही सब एकदम हटा दिए, बोले कि ना अब तो हो ये गया चार्ज माइनस इस पर आइए गया हो गया इसको हटा देते हैं, हटा दीजिए तो इसको भी खा जाएगा, फिर से वही हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से ये ऐसा हो जाएगा है ना, तो इसलिए पहले इसको मत हटाइएगा, पहले ग्राउंडिंग को हटाइए, तो खा जाएगा माइनस को पहले बता दे रहा है ठीक है ना, तो हुआ क्या इधर में बनाते हैं, हुआ क्या कि ग्राउंडिंग को हटा दिया गया, ग्राउंडिंग को हटा दिया गया, तो जब ग्राउंडिंग को हटा दिया गया तो ये जो माइनस है अब ऐसे हो गया, स्टेप फोर है ये, एक दो तीन और ये स्टेप फोर दिखा रहे फोटो ठीक है ना, स्टेप फोर ठीक है, इसको ग्राउंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिए, तो अब माइनस ऐसे है और ये आपका चार्ज बॉडी कुछ ऐसा है। अब लास्ट में एकदम क्या करना है, लास्ट में एकदम इसको हम क्या करेंगे, इस चीज को अब हटा दीजिए, अब हटा दीजिए, अब हटाइए तो कुछ खाने वाला नहीं ना है, तो अब इस चीज को हटा देंगे, स्टेप फाइव में हटा दीजिए, तो स्टेप फाइव में जब हटा दीजिएगा मतलब इस चीज को रिमूव कीजिएगा स्टेप फाइव में, तो होगा क्या कि ये जो मेटल स्फीयर है उस पर पूरी तरह से अब माइनस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ओवर सर्फ, देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो बताइए ये मेटल स्फीयर चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, देखिए चार्ज हो गया, टच किए हैं नहीं टच किए, ये देखिए कहां टच किए, हम तो इधर रखे हुए हैं, सटा थोड़े रहे इसमें सटा के रखे हैं के? नहीं, तो ये देखिए ये मेटल स्फीयर चार्ज हो गया है विदाउट कॉन्टैक्ट, मेटल स्फीयर चार्ज हो गया विदाउट कॉन्टैक्ट, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या कभी पूछ सकता है, नीचे में कमेंट कीजिएगा, तो एक क्वेश्चन है सुनिए ध्यान से, इधर उधर मत देखिए, सुनिए ध्यान से जी, पूछा है क्वेश्चन हाउ कैन यू, सुन लीजिएगा, हाउ कैन यू चार्ज अ बॉडी विदाउट टचिंग, तो ये फोटो बना देना है, विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट आपको ये फोटो बना देना है, और पूछेगा नीचे में कमेंट कीजिएगा विच मेथड, कौन सा मेथड आप यूज कीजिएगा किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, कौन सा मेथड यूज कीजिएगा किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट विच मेथड कैन बी यूज टू चार्ज अ बॉडी विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट, तो इसका आंसर एकदम नीचे में देते जाइए, कौन सा मेथड, फ्रिक्शन वाला, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन लगेगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन लगेगा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको कमेंट में आंसर दीजिए, यहां पे देखिए ये बॉडी चार्ज हो गया विदाउट कॉन्टैक्ट, समझ में आया, तो एक देखिए एक और चीज बता देते हैं, इसको उतार लीजिएगा, आपसे पूछेगा कि चार्ज करना है मेटल स्फीयर एक को, तो ये फोटो बना देना है ठीक है ना, चार्ज हो गया, अब कभी कभी अगर मान लेते हैं अगर जब आप पॉजिटिव चार्ज इसके बगल में लाएं तो ये स्फीयर कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब कि अगर ये कोई मेटल स्फीयर ए था और उसके बगल में आप लेके आए पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया,
इनकेस अगर आप बगल में निगेटिव चार्ज लाते हैं तो ये मेटल स्फीयर कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब जो मेटल स्फीयर होगा वो डिपेंड करता है कि आप कैसा चार्ज बॉडी ला रहे हैं नियर बाय। अगर आप इसके नियर बाय पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, अगर आप नियर बाय निगेटिव चार्ज बॉडी ला रहे हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम आपको कैसा चार्ज करके दिखाएं, निगेटिव। आप घर पे फोटो बनाइए और कोशिश कीजिए कि मेटल स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आए। उससे पहले क्वेश्चन पूछे कमेंट में आंसर दीजिए। तो ये था आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, पूरा कहानी क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ये फोटो इतना बना लेंगे स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव। तो हमारा ये मेटल स्फीयर चार्ज हो चुका है विदाउट कॉन्टैक्ट। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।